क्या हो रहा है? हमेशा हम लोग के साथ भी यही होता था, पढ़ाई के वक्त में नींद आती थी, इनके साथ भी वही है। सबूत देखे अभी जैसे टीवी ऑन हुआ नींद। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। मैं आज पूजा रूम से गुड मॉर्निंग कर रही हूं क्योंकि अभी सिन्हा जी को जाना है, जल्दी जल्दी पूजा करना है हमें। सिन्हा जी का आज दांत का शायद लास्ट ये है, तो जा रहे हैं वो हॉस्पिटल, जल्दी जल्दी करके पूजा मैं उनको भेजूं। देखिए दीदी भी पीला पीला बनी है, मैं भी पीला पीला बनी हूँ। आज बृहस्पत है, मैं वो नहीं देख पाती कि क्या कौन सा डे कौन सा कौन पहनना, मैं बस ऐसे ही पहन लेती हूँ। प्रसाद लेते समय वीडियो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये देखिए अपनी दुर्गा माता को एकदम रियल में, दुर्गा माँ कितना आराम से खा रही है। बहुत अगर कोई ले ले बहुत गुस्सा। जा रहे हैं रिद्धि का दो तीन फ्रॉक बनाने, लहंगा तो हमेशा नहीं पहन सकती ना, तो फ्रॉक बनाऊंगी। ये है एक, एक नेट पे और एक सलवार सूट बनाऊंगी और दो तीन फ्रॉक बनाऊंगी, तो आप लोग से शेयर करेंगे। जैसे जैसे कटिंग करेंगे और ये करेंगे तो बता देंगे आप लोग को प्रॉपर तरीके से, अभी तो जल्दी में बताएंगे। प्रॉपर तरीके से आप लोग को दो सूट फ्रॉक ये सब बनाएंगे तो बताएंगे आप लोग को। बिट्टू मम्मी को गरबा डांस नहीं करने आ रहा, चले दादी, दादी तुम्हारी बहुत अच्छी मतलब गरबा डांस, तो हम लोग चल रहे आज प्रैक्टिस। कल प्रैक्टिस करते करते होता है ना कि भीड़ में अगर किसी लोग को ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो पकड़े जाते हैं। मैं और माँ पकड़े गए कि हम लोग स्टेप्स कुछ एक दो स्टेप सही से नहीं कर रहे थे, बाकी सब हो गया। तो स्टेप्स जो सही से नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा है कि एक तो प्रैक्टिस पे 10 मिनट पहले जाएंगे और वहां जाने से पहले खुद की प्रैक्टिस भी तो करना जरूरी है, कहीं फिर से आज ना थोड़ा सा वो पकड़े गए तो थोड़ा सा चर्ट सा हो जाएगा। चलो बेटा दादी के पास चलते हैं। बेटा है कि शगुन जी जॉब नहीं करती, देखिए सुबह से मैं सुबह 6 बजे से ड्यूटी करती, क्या हालत बना के रखती हूँ रूम का। जॉब भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर शाम को सब कुछ खाना बना के प्रैक्टिस में भी जाती हूँ। आजकल बहुत बिजी सा शेड्यूल चल रहा है मेरा। देखिए यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है, बड़े आराम से सो रही हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाह रही कि आज हमें फिर से कोई बोले। इसी तरह से पैर मार देना है, हाथ पैर है। माँ वही दो स्टेप जो है ना वो तो कर ले कम से कम। अच्छा ये दादी पोती दोनों पीला पीला, हमको कोई नहीं बताया। कौन जान रहा है? पीला नहीं है ना मेरे पास, झोला है। पहले मोटी थी अब पतली हो गई। और क्या चाहती हैं कि झोला पहन के गए? पहले बहुत मोटी थी, जब प्रेग्नेंट थी तो और मोटी हो गई थी, तो वो वाला सूट है पीला रंग का, अब निकालूंगी तो और झोला हो जाएगा। माँ तो चाह रही कि जैसे गरबा में मैं असली गरबा भुवन बन के जाऊँ, तो नहीं होता यहाँ से घेरा वाला बना के पूरा जाते हैं वैसे ही। तो बच्चा लोग वही सब पहनता है तो अच्छा लगता है। अरे तो एक शेप भी तो होना चाहिए, बहुत ही बहुत ज्यादा लूज हो गया है। चले प्रैक्टिस करने कि नहीं उठना है? यहीं पे करेंगे। अम्मा थोड़ा सा अब किसी को नहीं सोने दिया जाएगा भैया, किसी को नहीं। अब हमारे घर में कोई नहीं सो सकता, सबको जाके जगह सो सकता है। रिद्धि जब तक सोई है तब तक सो लो, अभी तो भैया नहीं। अरे डैडी बहुत खुश है, थोड़ी देर पहले गुस्से में थे, तुम लोग जाओगी डांस करने तो मैं सोऊंगा। अच्छा अभी इनको नहीं पता हम लोग डांस करेंगे तो वीडियो कौन करेगा? डैडी फटाफट क्या करते कौन है? क्या करना है ना, ऐसे 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 करके ऐसे घूमना है। ऐसे करना है, ऐसे 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 नहीं, फिर नीचे से ऐसे ले जाने के लिए नहीं, देखो नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे पैर दिखाई पड़ता, मेरा हाथ घूमता है ना, पैर ही नहीं घूम पाता है। कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे। अच्छा कैसे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। दे भी तो हिलाओ खाली, ऐसे ऐसे नहीं तो। अच्छा ऐसे ऐसे, ऐसे दोनों हाथ नहीं, ऐसे। अरे हो गया, जाते आते 10-12 बार कभी जाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं, साइड में ऐसे ले गए। ऐसे ऐसे अच्छा, ऐसे 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 फिर नहीं रह गया। कभी ऐसे मौका मिलेगा ना, किचन में पूरी सब्जी बनाएंगे तो ऐसे ऐसे थोड़ी पता चला किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। क्या बात, दया बाबी कैसे करती है? दया बाबी कैसे करती है? उल्लू का भाई वर्क होता है, गुजरात एकदम हो गया, सीरियल में काम होता है, एक्सपर्ट किया भाई। हाँ रिद्धि पैर मर सकता, पानी में उड़ रही बेटा। अच्छी गरबा विद बेबी,
इसको कितना मन कर रहा है अभी समझ नहीं है, लेकिन गरबा करेंगी। कोई बात नहीं बेटा, अगले साल से करेंगे। आज मैं डांस की प्रैक्टिस क्या कर ली कि मुझे भूख लगे। अब ये दोबारा मेरा ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट का लंच नहीं करती हूँ, या तो लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट करती हूँ। आज से भूख लग गई, जा रही अब रोटियां बची नहीं, फिर से देख रही इंतजाम कर रही। डैडी अभी क्या हुआ, जी आटा कहाँ रखा हुआ, तो क्या जवाब मिला? जी पूछे हम लोग माँ से ये आटा कहाँ रखा हुआ, तो जवाब क्या मिला? वहीं पर है, वहाँ से निकाल लो उसके नीचे। मुझे जवाब मिला एथी। मैंने पूछा व्हाट इज एथी, एथी क्या होता है डैडी? एथी से निकाल लेना। एथी होता क्या, पीला वाला? पता नहीं, वो तो हमेशा यही जवाब मिलता है, वो पीला वाला डब्बा, मैं पीला वाला डब्बा ढूंढता हूँ। हमारे यहाँ रोज यही होता है, मतलब पूछने पर कोई जवाब मतलब मिलता है, बहुत बड़ा जवाब मिलेगा, कंफ्यूजिंग जवाब मिलता है। अब प्याज लहसुन अभी खाना नहीं है, तो कुछ और आइटम तो सोच नहीं सकती कुछ बनाने, बिना प्याज लहसुन के ना बनते हैं आइटम, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वो, स्पेशली वो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है ना तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं ओट्स निकाली हूँ, उसका ये गर्म पानी करी हूँ, गर्म पानी और नमक वगैरह डाल के इसमें गेहूं का थोड़ा सा आटा मिला के मैं बनाऊंगी आटा सानू, अपने लिए रोटी बना रही हूँ। सुबह ये आलू का सब्जी बनाई थी, आलू टमाटर की सब्जी और कुछ नहीं है, मसाले वसाले डाल के हल्दी मिर्च सिर्फ डालकर मैं पका ही दिया, वही है अब बिना प्याज लहसुन का तो यही बनता मेरे से। अब जल्दी जल्दी, अब शाम को भी आजकल थोड़ा जल्दी जल्दी खाना बना दे रही हूँ कि भाई 9 बजे निकलना होता है, शाम 9 बजे पहुँचना होता है। कोई प्रॉब्लम हो गया माँ, जल्दी से फोन मंगवा ले रहे थे तो भैया का मैसेज आएगा, पैक करेंगे पूरा। ये वही जूती है, एक 15 नंबर एक 16 नंबर, पता नहीं मेरे से 2 अंगुल बड़ा है ये पैर से। कुर्ती 600 का था वो, रिटर्न गया, उसका पैसा आज तक नहीं आया, कुछ नहीं आया मैसेज। बंदा भी आके हमसे, क्योंकि उसके बाद भी वो बंदा आया है हमारे पास डिलीवर करने, बोला कि मैडम मैं तो कर दिया हूँ वहाँ पे, ये मीशो का या कुरियर का ये करिए। आइष्ट कौन है बाहर, क्या हो रहा है बिट्टू, क्या हो रहा है? कितना खुश हो गया, क्या है, क्या है वो? बहुत ज्यादा, कल शगुन भी खिला रही थी, ऐसे खुश हो रही थी ना, ना क्या है ना, ना ऐसे नहीं, ना ऐसे सीखते हैं। आ पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली, हाय मेरा बच्चा, मेरी क्यूटी पाई। उसको से बाहर आने के लिए तो बेचैन हो रही है। बाहर आना था काजू, हमको क्या पता काजू पापा। जस्ट अभी आया, देखा कि ये खेल रही है। हाय मेरी शैडो, हाँ बेटा बेटा, मम्मा का, मम्मा का, ये लो आपका। और इसके इसमें घर वालों के लिए भी है कुछ, बहुत दिनों से जो डिमांड कर रहे थे डैडी और शगुन, क्या गेस्ट नहीं, केला, हाँ केला चिप्स। जब से डैडी मतलब भैया, अमित भैया, शगुन ये सब जब चेन्नई में रहते थे ना, डैडी इतना खाते थे, डैडी क्या मैं भी खाता था। और वैसा साइज छोटा नहीं है, छोटा थोड़ा, थोड़ा छोटा है ना, हाँ, लेकिन ये देखो, ओ यू गॉट केला चिप्स फॉर मी। तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है, फॉर मी। अरे वाह, टेस्टी, कैसा है? मोटे वाले हैं देखो, पतले वाले नहीं है, एक आते हैं ना बिल्कुल पतले वाले, अच्छे नहीं लगते, केला का टेस्ट आता ना। हाँ देखो शैडो को देखो तो लग रहा है, हाँ भाई ये तो बहुत ही अजीब बात होगी कि शगुन को केला खाना पसंद, इसको देखो तो बिल्कुल चढ़ने के लिए तैयार है। मेरे बच्चों को मेरे कच्चू, मेरे कच्चू, देखो 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 देखो, अच्छा अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है ना। अभी पहले तो चाय बनाइए, चाय के साथ हम खाएंगे। अभी जस्ट मतलब मंगवाई हूँ मैं, शाम हो गया है, शाम क्या रात हो गई है, और ये पांडे जी मंगवाई हूँ, और सब सब्जी, सब हरी सब्जी उब्जी मंगाई थी मैं, तो ये इतनी बड़ी पैकेट ये है, इतना बड़ा है, करीब 10 पैकेट होते हैं कि क्या होते हैं। और ये देखिए, एक पैकेट लेके पहले ही खोल के बैठ गया भाई, चाय के साथ तो पार्टी भी खाई जाती है, और एक पूरा ना खाओ तो फिर पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता। तो आप लोग तो बताना कि इतना बड़ा पैकेट कितने दिन में खर्च होता है आपके यहाँ? अरे यार तो भैया 3 दिन, वो भी हम अपने अंडर में रखे, तो सुबह शाम करके खत्म। तो है हम लोग का प्रैक्टिस का थर्ड डे, नवरात्रे का चौथा दिन। एक्चुअली में हम लोग को बहुत दिन के बाद मिला, वो लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन हम लोग ऐसे ही बाद में हम लोग को पता चला कि हाँ डांडिया करेंगे ना, कर तो रहे हैं, करेंगे क्या, कर रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं यार बहुत रात भर दर्द करता है पैर, बहुत दिन के बाद जो करने के हो रहा है ना, एक्सरसाइज करो या डांस करो या कुछ भी करो तो वो दर्द होता है। इधर इधर इधर, आइस का आइस, रिदु आइस, रिदु इधर, आइस बता दो, लुक एट मी, बताया है ना, नो
लुक इट मी, आज भाई पिताजी पढ़ा रहे हैं बाबू को। ये भगवान देखती ही है रिंदु, वो बस अपने बाबा का ही बात मानती है। अच्छा भी चीक्स, चीक्स कहाँ है बाबू का? चीक्स निन्नू आ रही है। हमेशा हम लोग के साथ भी यही होता था, पढ़ाई के वक्त में नींद आती थी, इनके साथ भी वही है, पढ़ाई के वक्त में नींद आ रही है। नींद पूरी आ रही है, अभी सो के उठी है। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा मत पढ़ो मत पढ़ो मत। चलो तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल बाय बाय गुड नाइट। नींद आ रही थी, सबूत देखे अभी जैसे टीवी ऑन हुआ नींद गायब, ये देखिए नींद गायब, दो मिनट के अंदर में नींद गायब। कहते हैं बाकर टूट पर आपका घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, जो तुम लोग करते थे वही करेगी तुम्हारी। तुम लोग को भी पढ़ाने बैठाते थे तो नींद आने लगती थी। सही बात है। बाय बाय गुड नाइट।